हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइकस से रिलेटेड इसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एनाटॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलोराइड रूट, रैकिस और लीफलेट को डिस्कस किया, बट कुछ प्रॉब्लम के चलते मैंने साइकस के रिप्रोडक्शन, इसके मेल कोन, फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इसके लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के जो वीडियो थे उसको अपलोड नहीं कर पाया। तो आने वाले वीडियो में हम साइकस से जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे कई व्यूवर्स ने कहा कि सर पूरे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे वीडियो को इतना पसंद करते हैं और हर एक पार्ट का वेट करते हैं। तो आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी साइकस के बचे हुए पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और साइकस का टॉपिक ख़त्म होने के बाद तुरंत हम इफेड्रा को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स ने ये भी कहा है कि सर हमारा एक इफेड्रा जेनरा है उसको भी आप कंप्लीट कराइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम साइकस के मेल कोन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो साइकस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इसके रिप्रोडक्शन बहुत ही लंबे हैं, तो इस वजह से इसे हमें कई पार्ट में डिस्कस करना होगा। तो इस पार्ट में हम सिर्फ साइकस के मेल कोन को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। साइकस रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। तो साइकस में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बढ़ते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ओर। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स ओवर आर एडवेंटेशियस बड। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है साइकस में वो बल्बिस या फिर एडवेंटेशियस जो बर्ड्स होते हैं उनके थ्रू होता है। दिस बर्ड डेवलप ऑन द स्टेम इन द एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ। और ये जो बर्ड बनते हैं ये जनरली आप सभी जानते हैं कि साइकस में दो तरह के लीफ होते हैं, बर्ड का फॉर्मेशन स्केल लीफ के पास होता है। ए बल्बिस इज एन ओवल स्ट्रक्चर ब्रॉड एट द बेस एंड पॉइंटेड एट द एपेक्स। तो वही बात करें बल्बिस के स्ट्रक्चर की, तो ये जनरली अंडाकार होता है और इसका जो बेस वाला रीजन होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर का जो रीजन होता है वो पॉइंटेड होता है। इट डिटैचमेंट फ्रॉम द स्टेम, ए बल्बिस स्टार्ट टू जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग मेनी रूट्स फ्रॉम द लोअर साइड एंड लीव टूवर्ड द अपर साइड। तो जब बल्बिस प्लांट से अलग होता है तो इसमें जो लोअर पोर्शन होता है उसे ढेर सारे रूट का फॉर्मेशन होता है और जो अपर साइड होते हैं उससे लीव का फॉर्मेशन होता है। ए बल्बिस फ्रॉम मेल प्लांट विल डेवलप ओनली इनटू मेल प्लांट व्हाइल द बल्बिस फ्रॉम द फीमेल प्लांट विल फॉर्म ओनली फीमेल प्लांट बिकॉज साइकस इज डायोसियस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइकस जो होता है डायोसियस होता है, अर्थात इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं। तो जो मेल से बल्बिस निकलता है वो बनाता है मेल प्लांट और जब फीमेल से जो बल्बिस निकलता है वो बनाता है फीमेल प्लांट। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ए बल्बिस एंड यंग लीव शोइंग द सर्सिनेट वेनेशन। तो बल्बिस से प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर की ओर लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो लीफ होते हैं स्टार्टिंग में, सभी जानते हैं कि साइकस में जो स्टार्टिंग में लीफ निकलते हैं वो सर्सिनेट होते हैं, अर्थात सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं और इसके लोअर पोर्शन में फॉर्मेशन हो रहा है रूट का। तो ये था बल्बिस का स्ट्रक्चर। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस इज ओगैमस टाइप, दैट्स मीन फीमेल गैमिट्स आर एग सेल विच आर लार्जर देन द मेल गैमिट एंड नॉन मोटाइल। तो जो साइकस होते हैं उनमें जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप होता है, मतलब कि जो फीमेल होती है गैमिट, अर्थात जिसे हम कहते हैं एग सेल, वो बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल गैमिट होता है बहुत छोटा होता है और मोटाइल होता है। तो जब रिप्रोडक्शन में मेल मोटाइल हो और फीमेल नॉन मोटाइल हो तो उसे हम बोलते हैं ओगैमस टाइप, और इस तरह का रिप्रोडक्शन साइकस में पाया जाता है। साइकस इज स्पोरोफिटिक एंड स्ट्रिक्टली डायोसियस, दैट मीन मेल एंड फीमेल सेक्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो साइकस होते हैं वो डायोसियस होते हैं, अर्थात इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर उगते हैं, अर्थात इनमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की, कि साइकस में कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं और कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की। मेल प्लांट ऑफ साइकस प्रोड्यूस एवरी ईयर ए सिंगल मेल कोन। तो जो इसका मेल प्लांट होता है साइकस का, हर साल एक सिंगल मेल कोन का फॉर्मेशन करता है एट द एपेक्स, प्लांट के एकदम एपेक्स वाले रीजन पर, मतलब ऊपर की ओर, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल कोन द एपिकल मेरिस्टेम इज यूज अप एंड देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम चेक फॉर सम टाइम बट लेटर एन एपिकल मेरिस्टेम इज फॉर्म एट द बेस ऑफ द कोन विच पुशेस दैट
ऑन वन साइड टू द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज रिज्यूम अगेन। तो साइकस में जो मेल कोन का फॉर्मेशन होता है वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होता है। तो जब स्टार्टिंग में मेल कोन बनते हैं तो वो सीधे ऊपर की ओर अपराइट होते हैं और जो पत्तियों अर्थात जो लीफ का ग्रोथ होता है एपिकल रीजन पे वो स्टॉप हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है। लेकिन जब ग्रोथ फिर दोबारा से स्टार्ट होता है तो मेल कोन का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, फिर से जो लीफ होते हैं या जो एपिकल रीजन है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और जो मेल कोन होते हैं वो साइड में आ जाते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड वाले में जो कोन है वो सीधा है, अपराइट है, लेकिन जो राइट वाले में है वो आपको देख रहे हैं कि वन साइडेड है। और इस तरह का जो ग्रोथ होता है उसे हम बोलते हैं सिम्पोडियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरह के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल। सच ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड सिम्पोडियल। जैसा कि मैंने बता दिया सिम्पोडियल ग्रोथ क्या होता है। द मेल कोन इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम, अप्रॉक्स 500 सेंटीमीटर और मोर इन लेंथ। और याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो साइकस होते हैं उनमें मेल कोन और फीमेल कोन सबसे बड़े होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में। आगे हम लोग जब फीमेल कोन पढ़ेंगे तो उसमें भी यही पॉइंट रहेगा। तो याद रखिएगा मेल कोन और फीमेल कोन जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मेल कोन है उसके LS के सेक्शन को देखेंगे। ईच कोन इज एन ओवॉइड और कोनिकल स्ट्रक्चर। तो अगर साइकस के मेल कोन के सेक्शन को देखें तो ये जनरली अंडाकार या कोनिकल शेप का होता है। ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन शो दैट ईच वन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस अराउंड विच ए लार्ज नंबर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल आर अटैच एट राइट एंगल इन ए कॉम्पैक्ट स्पायरल एक्टोपिटल सक्सेशन। द मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोफिल टेक प्लेस इन ए स्पायरल मैनर, दैट मीन फ्रॉम एपेक्स टू बेस। हाउएवर ए फ्यू स्पोरोफिल एट द एपेक्स एंड बेस रिमेन स्टेराइल। यदि हम साइकस के मेल कोन का LS देखें तो ये जनरली एक सेंट्रल एक्सिस इसके बीच में पाया जाता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि उस एक्सिस से जुड़े होते हैं। अब ये एक दूसरे से कम्पैक्ट स्पायरली एक्ट्रोपिटल अरेंज होते हैं। एक्ट्रोपिटल अरेंज का मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो बेस से होता है एपेक्स की ओर, अर्थात जो ओल्ड होंगे माइक्रोस्पोरोफिल वो नीचे होंगे और जो आपके यंग माइक्रोस्पोरोफिल होंगे वो एपेक्स पे होंगे। और जितने भी माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो जनरली स्पायरली अरेंज होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं LS साइकस के मेल कोन का, जिसमें कि जो सेंट्रल एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं कोन एक्सिस और उस पे अरेंज है माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल अरेंजमेंट आप देख सकते हैं स्पायरली अरेंज है लेफ्ट साइड में और आपके जो राइट साइड में है वो LS है। आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। ईच माइक्रोस्पोरोफिल रिप्रेजेंट ए स्टेमेन। तो प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो एक तरह से मेल स्टेमेन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ए फ्लैटिनेड वुडी एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर और ये जनरली चिपटे और जनरली वुडी और ट्रायंगुलर शेप होते हैं जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू अपर और ऑर्बिटल स्टराइल रीजन कॉल्ड एपोफाइसिस। तो इनमें दो पार्ट होते हैं, जो अपर रीजन होता है जो कि डिस्टल रीजन है वो स्टेराइल रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस, एंड प्रॉक्सिमल वेज शेप फर्टाइल पार्ट और जो नीचे का पार्ट होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल वेज। इच माइक्रोस्पोरोफिल बियर सेवरल हंड्रेड माइक्रोस्पोरेंजिया दैट इज कॉल्ड पोलन सैक ऑन इट्स एडेक्सल सरफेस मोर देन 1000। तो जितने भी माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वे सैकड़ों माइक्रोस्पोरेंजिया रखते हैं जिसे हम पोलन सैक अर्थात पराग कोष भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 3 to 6। इच क्लस्टर ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो हमेशा गुच्छों में होते हैं और इसमें जनरली 3 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया गुच्छों में होते हैं और इस क्लस्टर को हम बोलते हैं सोरस। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप डिफिनीशन भी देख सकते हैं या दे सकते हैं सोरस का। द ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। इन बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया इंड्यूसियल हेयर आर प्रेजेंट विच हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर एंड प्रोटेक्ट यंग स्पोरेंजिया। तो प्रत्येक सोरस में माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच इंड्यूसियल हेयर पाई जाती है जो कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनके डिस्पर्सल में सहायता करती है और एक तरह से स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट भी करती है। तो जैसा कि इमेज में आप साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल को देख सकते हैं, तो ऊपर का जो स्टेराइल रीजन होता है उसको बोलते हैं एपोफाइसिस और नीचे का रीजन फर्टाइल रीजन होता है और प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो एक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
इसमें सैकड़ों माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और जो माइक्रोस्पोरेंजिया 3 या 6 के ग्रुप में रहती है जिसे हम बोलते हैं सोराई। तो आप इमेज में राइट साइड डी में देख सकते हैं एक माइक्रोस्पोरफिल का सेक्शन जिसमें कि ढेर सारे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे और उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर। याद रखिएगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप, दैट इज द डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल। तो यदि हम बात करें साइकस के माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट की तो वो यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है, मीन्स कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशिएशन के सेल के ग्रुप के द्वारा होता है। मतलब जब कई माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल मिलकर फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। दिस सेल आर हाइपोडर्मल इन ओरिजिन एंड डिवाइडेड बाई पेरिक्लाइनल वॉल इंटू अपर प्राइमरी वॉल सेल एंड लोअर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल होते हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू 2 तरह के सेल बनाते हैं, अपर प्राइमरी वॉल सेल और दूसरा है लोअर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। द प्राइमरी वॉल सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म 3 to 6 लेयर वॉल बिलो द एपिडर्मिस। तो जो प्राइमरी वॉल होता है वो अगेन डिवाइड होता रहता है, कई बार डिवाइड होता है और 3 से लेकर 6 लेयर की एक स्ट्रक्चर बनाता है एपिडर्मिस के नीचे। एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आल्सो डिवाइड एंड रीडिवाइड इरेगुलरली टू फॉर्म मास ऑफ सेल नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। और जो दूसरा सेल था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल वो भी कई बार डिवाइड होकर फॉर्मेशन करता है स्पोरोजिनस टिश्यू का, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। एट दिस टाइम फ्रॉम द पेरीफेरल सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू और इनर मोस्ट वॉल लेयर डिफ्रेंशिएटेड इंटू ए सिंगल सेल्ड नरिसिंग लेयर नोन एज टैपिटम। तो जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है साइकस का वो जनरली उसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो एक नरिसिंग सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं टैपिटम। याद रखिएगा स्पोरोजिनस सेल का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो फॉर्मेशन करता है टैपिटम का, जो कि नरिशमेंट का काम करता है अर्थात ये पोषण देता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरोजिनस सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस और एक्सोथीसियम। और जो आउटर वॉल होता है वो फॉर्मेशन करता है एपिडर्मिस का या फिर एक्सोथीसियम का। द रेस्ट ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इंक्रीज इन साइड एंड फंक्शन एज ए स्पोर मदर सेल। और जो बचे हुए स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं स्पोर मदर सेल का। याद रखिएगा स्पोर मदर सेल, दीज आर द अल्टीमेट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। ये स्पोरोफिटिक फेज के एक बहुत ही यूनिक अवस्था होती है। इच स्पोर मदर सेल डिवाइड बाई रिडक्शन डिविजन फॉर्म 4 हैप्लाइड माइक्रोस्पोर। और यही जो स्पोर मदर सेल है वो रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं अर्थात मियोसिस में जाते हैं और एक स्पोरो मदर सेल से 4 हैप्लाइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोर मदर सेल से, और यहाँ पर डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन। ए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इज सेसाइल और शॉर्टली स्टाल्ड कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 वॉल लेयर। द आउटर सिंगल लेयर एक्सोथीसियम, इनर मोस्ट सिंगल लेयर स्टैपिटम एंड रेस्ट इंडोथीसियल लेयर। तो अगर हम एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो जनरली वो सेसाइल होता है, मतलब उसमें स्टाल्क नहीं पाया जाता है या कभी कभी बहुत ही शॉर्ट स्टाल्क पाए जाते हैं और ये जनरली 5 to 6 लेयर स्ट्रक्चर होता है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सोथीसियम और जो इनर मोस्ट सिंगल लेयर होता है उसको बोलते हैं टैपिटम, जो कि नरिशमेंट का काम करता है। और बाकी जो बचा हुआ होता है वो होता है इंडोथीसियल लेयर। द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम इनक्लोज लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो जो स्पोरेंजियम होता है वो ढेर सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को अपने अंदर रखता है। द टैपिटम इज यूज अप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। और जो टैपिटम होता है उसका यूज होता है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के लिए। और जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो जो टैपिटम लेयर होती है वो डिजेनरेट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो जैसा कि इमेज में आप माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजियट टाइप होता है अर्थात जो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल्स होते हैं वही फॉर्मेशन करते हैं। और ये डिवाइड होता है 2 सेल में, प्राइमरी वॉल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी जो वॉल सेल होता है फिर से डिवाइड होता है और कई लेयर बनाता है जो कि एपिडर्मिस के पास होता है। वहीं बात करें जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं
वो भी कई बार रिपीटेड डिवीजन करते हैं, और इनका जो इनर मोस्ट लेयर है वो बनाता है टैपिटम, जो कि माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट का काम करता है, और उसके बाद जो अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है जो कि मियोसिस डिवीजन में जाता है, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो यदि अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर की, तो जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और जनरली टू लेयर्ड होते हैं, जो आउटर वॉल होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम इंटाइन। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इनसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, अर्थात माइक्रोस्पोर से कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो इनका डेवलपमेंट टू स्टेज में होता है। पहले स्टेज में जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, और ये पहली जो अवस्था होती है ये पोलिनेशन के पहले अर्थात परागण के पहले की अवस्था होती है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पोलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और जर्मिनेशन ऑफ पोलिन ग्रेन स्टार्ट इन सीटू, दैट मीन दे आर स्टिल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट है अर्थात जो पोलिन ग्रेन है, उनका जो फॉर्मेशन होता है इन सीटू होता है, अर्थात ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप होते हैं। फर्स्ट इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू, वन ऑफ देम गोज टूअर्ड द लोअर साइड एंड सेपरेट फ्रॉम अदर बाई ए क्रेसेंट शेप्ड वॉल, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल। द लोअर स्मॉलर सेल इज कॉल्ड प्रोथेलियल सेल एंड अपर बिगर वन इज एंथ्रीडियल सेल। तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनमें पहला डिवीजन होता है और दो न्यूक्लियस बनते हैं, और एक अपर साइड पे जाता है और एक लोअर साइड पे जाता है, और जो लोअर साइड के सेल होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं, मतलब क्रिसेंट शेप्ड होते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं दो अनइक्वल सेल के, और जो लोअर स्मॉलर सेल होता है उसे हम बोलते हैं प्रोथेलियल सेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो बड़ा वाला सेल होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। द प्रोथेलियल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर, बट द एंथ्रीडियल सेल डिवाइड टू फॉर्म ए जनरेटिव सेल विच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ प्रोथेलियल सेल एंड डिस्टल ट्यूब सेल विथ ए लार्ज न्यूक्लियस। दिस स्टेज इज कॉल्ड थ्री सेल स्टेज, कंसिस्ट ऑफ प्रोथेलियल सेल, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। तो जो आपका प्रोथेलियल सेल है वो डिवाइड नहीं करता दोबारा, और जो एंथ्रीडियल सेल है वो फिर से डिवाइड करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल का। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तीन तरह के सेल होते हैं, पहला होता है प्रोथेलियल सेल, दूसरा है जनरेटिव सेल और तीसरा है ट्यूब सेल, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो आइए पूरे स्टेज को मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनका सेल डिवाइड होता है, और इसका जो एक न्यूक्लियस होता है दो सेल बनाता है, एक बनाता है प्रोथेलियल सेल जो कि बेस पे चला जाता है और ये छोटा होता है और अर्धचंद्राकार होता है, और दूसरा होता है एंथ्रीडियल सेल जिसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बड़ी होती है, अर्थात ये सेल बड़े होते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोथेलियल सेल है वो दोबारा डिवाइड नहीं होता, जबकि जो एंथ्रीडियल सेल है वो पूरा डिवाइड होकर फॉर्मेशन करते हैं जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल के। तो इस प्रकार जो माइक्रोस्पोर सेल हैं उसके अंदर तीन सेल बन जाते हैं, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल और प्रोथेलियल सेल, और ये एक प्रकार से मेल गैमेटोफाइट स्टेज है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इसके जितने भी पार्ट हैं उनको डिटेल से जानेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।